ऋषि सुनक को ब्रिटेन का पीएम बनने पर जहां दुनिया भर में बधाइयां मिल रही हैं, वहीं रूस एक ऐसा देश है जिसने उन्हें बधाई नहीं दी, बल्कि ऐसी बात पुतिन की ओर से कह दी गई है जिसे सुनकर ब्रिटेन और चिढ़ जाएगा। क्रेमलिन की ओर से बयान जारी करते हुए यह कह दिया गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिटेन के पीएम के रूप में चुने जाने पर ऋषि सुनक को इसलिए बधाई नहीं दी क्योंकि रूस ब्रिटेन को अपना मित्र देश ही नहीं मानता है। वहीं एक दिन पहले ऋषि सुनक ने अपना कार्यभार संभालते ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात की थी। इस पर भी क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि कोई प्रधानमंत्री बने इससे हमें क्या लेना देना, हम ब्रिटेन से बेहतर संबंध की उम्मीद ही नहीं कर सकते। रूस ने कहा था कि निकट भविष्य में ब्रिटेन के साथ किसी भी तरह का रचनात्मक संबंध बनाने के लिए कोई भी ऐसी पूर्व शर्त, आधार या आशा नहीं दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर पुतिन का मिजाज साफ है कि वो ब्रिटेन को कहीं से भी अपने गुड बुक्स में नहीं देखते हैं और यही कारण है कि ऋषि सुनक के पीएम बनने पर भी उनकी तरफ से कोई बधाई नहीं दी गई, बल्कि बयान जो जारी किया गया उसमें इरादे स्पष्ट कर दिए गए कि रूस ब्रिटेन को अपना मित्र देश नहीं मानता है। ऐसे में ब्रिटेन अगर कभी मुसीबत में फंसा तो रूस उसका रेस्क्यू जरूर नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऋषि सुनक को फोन करके बधाई दी। पीटीआई के मुताबिक व्हाइट हाउस ने बातचीत को लेकर बताया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन को समर्थन देने, रूस को उसकी आक्रामकता के लिए जिम्मेदार ठहराने, चीन से मिल रही चुनौतियों से निपटने और सतत एवं किफायती ऊर्जा संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर काम करने की पर सहमति जताई है। वहीं बात करें भारत के प्रधानमंत्री की तो उन्होंने भी ऋषि सुनक को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि जैसे ही आप यूके के पीएम बनते हैं मैं वैश्विक मुद्दे पर मिलकर आपसे काम करने और रोडमैप 2030 को लागू करने के लिए बातचीत करूंगा, इसके लिए मैं काफी उत्सुक हूं। पीएम बनने के बाद ऋषि सुनक लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से उनका देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बीते कुछ वक्त में हुई गलतियों को लेकर भी उन्होंने ये बात स्वीकारी है कि हाल ही में कुछ गलतियां की गई हैं, वो उन गलतियों को ठीक करने के लिए चुने गए हैं। जो भी चुनौतियां आने वाली हैं उसे लेकर उनका कहना है कि वो उससे पूरी निष्ठा से निपटेंगे। ब्रिटेन ने जिस तरह से यूक्रेन को लेकर अपना समर्थन दिया और रूस के खिलाफ एक तरीके से गोलबंदी की और बोरिस जॉनसन ने जैसे पुतिन का मजाक बनाया, इन सब घटनाओं के बाद से रूस काफी नाराज था और अब ऋषि सुनक के बतौर पीएम चुने जाने पर रूस की जो प्रतिक्रिया सामने आई है वो ये बतलाती है कि ब्रिटेन और रूस के संबंध आने वाले वक्त में और भी ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।